हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सट्रूड कमांड के बारे में, जो कि हमारी 3D के अंदर बहुत ही बेसिक कमांड है दोस्तों, और इसको हम बहुत बार यूज करते हैं 3D के अंदर। ओके, मगर एक्सट्रूड कमांड सीखने से पहले दोस्तों आज मैं आपको व्यूपोर्ट कमांड भी सिखाऊंगा। लेआउट के अंदर तो हम पहले वीडियोस में सीख चुके कि कैसे हम लेआउट के अंदर अलग अलग व्यूपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे मॉडल स्पेस के अंदर कैसे अलग व्यूपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी ड्राइंग बनानी हो तो वो आपके लिए इजी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए दोस्तों एक शॉर्टकट कमांड है हमारे पास VPO। ये एंटर करते ही ये व्यूपोर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों। इसके अंदर जैसे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि 2 vertical 2 horizontal। ये क्या दोस्तों, ये व्यूपोर्ट है कि आपको इस मॉडल स्पेस के अंदर कितने व्यूपोर्ट चाहिए। अभी तो फिलहाल ये जो करंट रहता है वो सिंगल व्यूपोर्ट रहता है। अगर आपको 2 viewport चाहिए तो यहाँ पर 2 vertical कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी viewport ले सकते हो जो आपको हेल्प करे दोस्तों ड्राइंग में। ओके, अगर 4 लेने तो यहाँ पर 4 equal भी कर सकते हैं। जैसे हमारा 3D Max के अंदर आते हैं viewport, वो यहाँ पर 4 equal viewport भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी 2 vertical viewport क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन हम डिफॉल्ट रखेंगे, क्योंकि हमें इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी, हम बाद में इनको मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं ओके। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर 2 viewport बन गए। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर तो टॉप 2D वायर फ्रेम दिखा रहा है, यहाँ पर XY कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, मगर यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो एक्टिव व्यूपोर्ट है वो ये है। जिसके अंदर ये ब्लू बॉर्डर दिखाई देगा वो हमारा एक्टिव व्यूपोर्ट होगा। ओके, और ये हमारा अभी एक्टिव नहीं है। तो इसको एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एक क्लिक कर देंगे तो सिंगल क्लिक से ये एक्टिव हो जाएगा। ये हमारी सेम ड्राइंग शीट है, बस ये क्या है कि 2 viewport बन गए इसके अंदर। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पर ये वाला व्यूपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ व्यू साउथ ईस्ट व्यू, जो कि हमारा 3D का व्यू होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके अंदर मैं सिंपल रखता हूँ। तो एक एग्जांपल के लिए मैं जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल लेता हूँ, और यहाँ पर मैं टॉप व्यू के अंदर ही मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। ओके, तो आप देख रहे होगे साइड में भी कि यहाँ पर भी ये रेक्टेंगल ड्रा हो गया। ये सेम सीट है, बस इसका व्यू चेंज हुआ दोस्तों। यहाँ पर साउथ ईस्ट व्यू दिखा रहा है, यहाँ पर टॉप व्यू दिखा रहा है। तो अब जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो इस तरह से हम ये व्यूपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और वापस ही अगर आपको सिंगल में जाना है तो सिंपली क्या करो, VPO एंटर कीजिए और यहाँ पर सिंगल के ऊपर सेलेक्ट कर दीजिए, तो ये वापस ही सिंगल हो जाएगा दोस्तों। और फिर ओके, अभी मैं यहाँ पर 2 ही रखता हूँ वर्टिकल, और यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ इसको। अगर आपको इस व्यूपोर्ट की विड्थ अगर कम करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जैसे आप देख रहे हो ये निशान आ गया, यहाँ से हम विड्थ में जितना भी चाहिए एक व्यूपोर्ट वो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कंट्रोल जेड कर लेता हूँ वापस। तो चलिए सीखते हैं अब एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड के लिए मैं यहाँ पर 2 diagram बनाऊंगा, एक सेम बनाऊंगा मैं लाइन के थ्रू और एक बनाऊंगा मैं पॉली लाइन के थ्रू। जब हम उनके ऊपर एक्सट्रूड कमांड लगाएंगे तो वो दोनों के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो उसके लिए मैं पहले एक बार लाइन कमांड ले लेता हूँ यहाँ से, और फिर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। जैसे एक यहाँ पर किया, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये तो मैंने बना लिया लाइन कमांड के थ्रू। अब लेता हूँ मैं पॉली लाइन, जो कि हमारी यहाँ पर होती है, या PLB एंटर कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर सेम टू सेम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ ऐसा ही, बस डिफरेंस यही रहेगा, ये मैं बना रहा हूँ पॉली लाइन के थ्रू। राइट क्लिक एंटर। ओके, तो ये तो मैंने बना लिया पॉली लाइन के थ्रू। तो आप देख रहे होगे ये सभी लाइनें एक दूसरे में जॉइंट है, और यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एक सिंगल लाइन सेलेक्ट हो रही है, यानी कि ये सेगमेंट में लाइन है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं इस व्यूपोर्ट में जाता हूँ और इसको थोड़ा जूम आउट सेट कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से व्यू दिखाई दे। और यहाँ पर 2D वायर फ्रेम की जगह मैं कंसेप्चुअल कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब वापस इसी व्यूपोर्ट में एक्टिव करते हैं सिंगल क्लिक के साथ। तो अब मैं एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करता हूँ दोस्तों इनके ऊपर। तो एक्सट्रूड कमांड की शॉर्टकट की होती है दोस्तों EXT, या आप यहां से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो या EXT भी एंटर कर सकते हो। तो ये हमसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा जिसको हमें एक्सट्रूड करना है। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये हमने पॉली लाइन के थ्रू ड्रा किया था, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, और फिर क्या करते हैं राइट क्लिक और फिर एंटर। और फिर ये हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, स्पेसिफाई हाइट, कि हमें इसको कितना एक्सट्रूड करना है, कितनी हाइट तक चाहिए हमें ये। तो जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5, एंटर।
तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट बन गया। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं दोबारा एक्सट्रूड कमांड लेता हूँ यहाँ पर इस व्यूपोर्ट में ईएक्सटी एंटर, और फिर ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे ये सिंगल लाइन सेलेक्ट कर रहा है, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ ओके, और फिर राइट क्लिक करता हूँ, फिर एंटर, और फिर बाद में जितनी भी हाइट हमें देनी है तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3, एंटर। तो यहाँ पर जो हमने लाइन के थ्रू डायग्राम ड्रा किया था उसके अंदर इसने बीच में स्पेस खाली छोड़ दिया, यहाँ पर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना दिया दोस्तों। ये सिर्फ एक पतली सी लेयर है दोस्तों, जो आप यहाँ पर देख रहे होगे ये लेयर, तो इन दोनों में दोस्तों ये डिफरेंस है ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्टिव करता हूँ और दोबारा एक लाइन के थ्रू कोई भी दूसरी शेप भी हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ और फिर एंटर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी की कॉपी ले लेता हूँ दोस्तों, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कॉपी कमांड होती है, या इसकी शॉर्टकट कमांड भी ले सकते हैं CO, और फिर यहाँ पर स्पेसिफाई बेस पॉइंट ये देता हूँ और यहाँ पर इसकी कॉपी ये कर लेता हूँ ओके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, अगर मान लिया हमें इनको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, पी एडिट, और फिर यहाँ पर सेलेक्ट पॉलीलाइन, फिर डू यू वांट टू टर्न इट इनटू 1, यस, और फिर ज्वाइन, फिर ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा, तो ये तीनों लाइनें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और फिर एस्केप की। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये तो हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया और ये अलग अलग लाइनें सेगमेंट में हैं ओके। तो अब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, ईएक्सटी कमांड ली मैंने यहाँ पर और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक, फिर एंटर, फिर ये हाइट पूछेगा, हाइट जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर 3, एंटर। तो आप देख रहे होगे ये हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं यहाँ पर इस व्यूपोर्ट में चलता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सट्रूड कमांड लगाता हूँ, ये सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक, एंटर। तो आप देख रहे हो जितना मैं जेड एक्सिस की तरफ कर्सर को ले जाऊँगा उतनी ये हाइट ड्रा कर रहा है ओके। तो इस तरह से हम ये एक्सट्रूड कमांड यूज़ करते हैं दोस्तों। मगर अभी एक्सट्रूड कमांड के अंदर भी दो टाइप होती है दोस्तों। जो पहली टाइप होती है वो क्या है, सॉलिड, और सेकेंड जो टाइप होती है वो होती है सरफेस। एक्सट्रूड भी हम सरफेस की तरह यूज़ कर सकते हैं और सॉलिड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पर सबको, तो अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ दोस्तों, सिंपल सा। जैसे ये रेक्टेंगल किया, अब जैसे मैं एक और रेक्टेंगल साथ में ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर छोटा सा ओके। अब मैं इसको अगर एक्सट्रूड करूँगा दोस्तों, तो जैसे एक्सट्रूड की कमांड लेता हूँ, सेलेक्ट, राइट क्लिक, एंटर। तो आप देख रहे होगे ये पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब जो सेकेंड टाइप आती है एक्सट्रूड की वो क्या होती है दोस्तों, सरफेस। तो अब जैसे एक्सट्रूड कमांड दोबारा लेता हूँ मैं, EXT, एंटर। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ देख रहे होगे यहाँ पर मोड का ऑप्शन है, तो मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों, सॉलिड और सरफेस। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट हो रखा है अभी सॉलिड हो रखा है ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सरफेस ले लेता हूँ ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर राइट क्लिक, फिर एंटर। तो आप देख रहे होगे ये बिल्कुल जैसे हमने लाइन का एक्सट्रूड किया था तो वैसे ही अंदर से खोखला दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा सिर्फ सरफेस एक्सट्रूड हुआ है ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम एक्सट्रूड की ये दोनों टाइप यूज़ करते हैं। अब वापस ही अगर एक्सट्रूड को उस मोड में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, EXT एंटर करेंगे, मोड में चलेंगे और यहाँ पर सॉलिड सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट सॉलिड हो जाएगा ओके। तो इस तरह से हम ये मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी एक फ्रीली एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, जैसे एक लाइन ली यहाँ पर, एक यहाँ पर ली ओके, एक यहाँ पर ली, और अब एस्केप की। अब क्या करते हैं, एक आर्क ले लेते हैं यहाँ से यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये दोनों सेगमेंट अलग अलग है दोस्तों। तो इनको क्या करेंगे, जॉइंट करना है, तो क्या करेंगे, पी एडिट सेलेक्ट कर लेंगे और फिर येस करेंगे, वाई एंटर, जॉइन, ये भी सेलेक्ट, ये भी सेलेक्ट और ये भी सेलेक्ट, राइट क्लिक, एस्केप की। तो आप देख रहे होगे ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सट्रूड कर सकते हैं दोस्तों, EXT एंटर करेंगे और फिर सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख रहे होगे ये हमारी शेप एक्सट्रूड हो रही है, जितनी भी हमें ये शेप एक्सट्रूड करनी है उतनी हम यहाँ से वैल्यू एंटर करके कर सकते हैं, जैसे 2, एंटर ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसे मैं सिंगल क्लिक करता हूँ इस व्यूपोर्ट में, थोड़ा मूव कर लेता हूँ ड्राइंग शीट को। अब जैसे इस ड्राइंग शीट को रोटेट करके देखना दोस्तों फ्रीली, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, शिफ्ट और मिडल माउस बटन।
दोनों को प्रेस करेंगे तो ये हमारी ड्राइंग शीट फ्रीली मूव होगी, तो किसी भी एंगल से हम इसको देख सकते हैं। तो अब जैसे मैं वापिस यहाँ पर कस्टम व्यू में जाता हूँ, साउथ ईस्ट कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये एक्सट्रूड कमांड यूज़ करते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है दोस्तों, आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू पूछ सकते हो। एंड दोस्तों थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। आप सब ने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपके लिए ढेर सारी वीडियोस लेके आते रहेंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर।